हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल में। हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बात करेंगे हल्दी के उपाय। हाँ दोस्तों, हल्दी एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ही ज़्यादा आराम देने वाली है। ये मसालों में तो काम आती ही है, इसके अलावा ये क्या क्या करती है। इसके अलावा आपको हमने बताया था कि हल्दी में थोड़ा सा नमक मिला के गर्म पानी में उबाल के पीने से आपको खांसी मिट जाती है। पर इसके अलावा और हल्दी का एक और उपयोग हम आपको बताने वाले हैं, जो बड़ी बड़ी एंटीसेप्टिक क्रीम और गोलियों से जो घाव नहीं भरते उसके लिए आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ा घाव है तो आप डॉक्टर को दिखाइए, पर आप गिर गए हैं, थोड़ा बहुत खरोच आई है या थोड़े बहुत घाव आया है जिसको आप सोच रहे हैं किसी ट्यूब से सही हो जाएगा, तो उसके लिए आप सबसे पहला उपाय ये कर सकते हैं कि हल्दी को घी में मिलाकर, हाँ दोस्तों घर में आसानी से जो उपलब्ध होता है वो घी, और हल्दी का एक पेस्ट बनाइए और उसको उस घाव के ऊपर लगा लीजिए। तो आप देखिएगा आपके घाव में कोई भी जो होगा वो इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। हल्दी एंटीबायोटिक होती है, घाव को जल्दी से सुखा देगी और अगर आपको उससे घाव फटाफट मिट जाएगा। पर अगर बड़ा कोई घाव है तो डॉक्टर को आप फटाफट दिखाइए, पर जब तक आप डॉक्टर के नहीं पहुँचें तब तक भी आप हल्दी को घी में मिलाकर लगा सकते हैं। उससे जो होता है किसी भी इन्फेक्शन का खतरा नहीं होता है और आप फटाफट सही हो जाते हैं। तो आप दोस्तों इस तरह के उपाय कीजिए और स्वस्थ और हेल्दी रहिए। अगर आपको कभी भी किसी भी तरह की चोट आती है तो आप दूध में हल्दी को मिलाकर भी पी सकते हैं। रात को सोते समय गर्म गर्म दूध में एक चम्मच हल्दी पाउडर मिलाकर पी लीजिए, इससे आपका घाव जल्दी से भर जाएगा और आप हेल्दी और फिट रहेंगे। तो इस तरह छोटे छोटे उपाय हैं जो हल्दी के सहारे से हम कर सकते हैं, जिससे हम हेल्दी और फिट रह सकते हैं। तो आप कीजिए, अपनाइए ये उपाय, फिट रहिए, हेल्दी रहिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।